दिल्ली के रोहतास नगर में बीजेपी ने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का घेराव किया। मनीष सिसोदिया एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, उसी वक्त बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता काले झंडे लेकर वहां जमा हो गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जैसे ही प्रदर्शन करने वाले स्कूल के सामने पहुंचे, उसी वक्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कार भी वहां पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। पुलिस वाले वहां थे जरूर, लेकिन उनकी गिनती ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो किसी तरह प्रदर्शनकारियों को धकेलने की कोशिश करने लगे। हंगामा बढ़ता गया और दिल्ली पुलिस के जवान कार के चारों तरफ घेरा बनाने की कोशिश करने लगे। शोर शराबे के बीच मनीष सिसोदिया का कार से निकलना ही मुश्किल हो गया। गाड़ी में बैठे हुए वो हंगामे को देखते रहे और हालात काबू में आने का इंतजार करते रहे। इस बीच स्कूल का स्टाफ जो शिक्षा मंत्री का इंतजार कर रहा था, वो केवल तमाशा देखता रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये हंगामा ऑक्सीजन की डिमांड से जुड़े मुद्दे पर था, क्योंकि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया है कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरत से चार गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी, जिसके विरोध के लिए बीजेपी कार्यकर्ता काले झंडे लेकर जमा हुए थे। हंगामा करने वालों ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन चोर तक कह दिया, लेकिन हंगामे के बीच पुलिस के जवानों ने डिप्टी सीएम की कार के पास थोड़ी ही देर में एक घेरा बना लिया, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी कार के सामने लेट गए। एक एक प्रदर्शनकारी को उठाने के लिए पुलिस वाले मशक्कत करते दिखे। तब तक गाड़ी के एक दरवाजे के पास से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा चुका था, जहां से फौरन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बाहर निकाला गया। बाद में मनीष सिसोदिया ने घटना पर एक ट्वीट किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हंगामे और तोड़फोड़ के अलावा स्कूल के स्टाफ से बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया, और आरोप लगाया कि बीजेपी को नए स्कूल बनते हुए अच्छे नहीं लगते, इसलिए एक नए स्कूल के उद्घाटन के दौरान हंगामा किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी उस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर चुकी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अंतरिम रिपोर्ट में दिल्ली सरकार पर जरूरत से चार गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगने का आरोप लगाया गया। हालांकि इस कमेटी की अंतिम रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन आरोप यह है कि दिल्ली सरकार के ज्यादा ऑक्सीजन मांगने की वजह से कई दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर पड़ा। सौ बात की एक बात यह कि कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इस रिपोर्ट के नाम पर कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, लेकिन जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आती तब तक बीजेपी इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती। जयपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां शादी समारोह में लगाई गई पाबंदियों में छूट देने की मांग के लिए अनोखा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने शादी से जुड़े कार्यक्रमों में ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत देने की मांग की, ताकि बड़े आयोजन हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। और अपनी मांगों को गहलोत सरकार तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर बैंड बाजे के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बैंड बजाते रहे, जबकि कुछ ने उसकी धुन पर डांस करके अपना विरोध जताया। इससे पहले उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। इस अनोखे प्रदर्शन में शादी समारोहों से जुड़े सभी तरह के कारोबारी शामिल हुए। बैंड बाजा और टेंट वालों के साथ खाना बनाने वाले और सजावट का काम करने वाले लोग भी वहां नजर आए। उन्होंने कोरोना की नई गाइडलाइन में सरकार से छूट देने की मांग की। वेडिंग इंडस्ट्री में कम से कम 200 आदमियों का अनुमति दी जाए। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी भी हुई। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तो पूरी तरह ताक पर रख दिया गया, वहीं कई लोग बिना मास्क के भी दिखाई दिए। सौबात की एक बात यह कि कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने के बाद शादी समारोह के कारोबार से जुड़े लोगों को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें अब राहत देगी, लेकिन अनलॉक की नई गाइडलाइन से भी उनकी परेशानी दूर नहीं हुई। यही वजह रही कि वो लोग एकजुट हो गए और सरकार के फैसले पर अपना विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक पूरे देश में एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने का आदेश दिया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोरोना संकट की मार झेल रहे प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम आदेश दिया कि 31 जुलाई तक सभी राज्यों को एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करनी होगी। इस योजना का मकसद यह है कि अगर किसी राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में रह रहा है तो अपने राशन कार्ड पर वो सरकारी दर पर राशन ले सकता है, यानी एक राशन कार्ड पूरे देश के लिए मान्य होगा। देश के ज्यादातर राज्य इस योजना को लागू कर चुके हैं, लेकिन असम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने यह योजना अभी तक लागू नहीं की।
महाराष्ट्र में हर साल धूमधाम से मनाए जाने वाले गणपति उत्सव को लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना संकट के बीच इस साल भी सार्वजनिक पंडालों में गणेश की ऊंची ऊंची मूर्तियां रखने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही उन सार्वजनिक पंडालों की साज सजावट पर भी मनाही है। इस बार लोग सार्वजनिक पंडालों में गणेश की 4 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्ति नहीं रख सकेंगे, जबकि घरों में 2 फीट से ज्यादा ऊंची गणेश प्रतिमा को रखा नहीं जा सकेगा। राज्य सरकार ने आरती, भजन और कीर्तन में भी भीड़ न जमा होने का आदेश दिया है। यह भी आदेश दिया गया है कि सभी पंडालों में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाए। साथ ही गणेश चतुर्थी के दिन और विसर्जन के समय भी ढोल बजाने और जुलूस निकालने से बचने की सलाह दी गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि हंगामे की शुरुआत 2 पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद से हुई, जो इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। इस मुद्दे पर गांव के लोग भी बढ़ गए और फिर दोनों पक्षों में डंडों से हमले होने लगे। वो सड़क पर लड़ते लड़ते पास के एक खेत में भी उतर गए। वहीं एक घर की बाउंड्री के पीछे से 2 आदमी मारपीट कर रहे लोगों पर पत्थर बरसाते नजर आए। कुछ महिलाएं भी वहां दिखी, लेकिन वो इस लड़ाई को खत्म कराने में जुटी रही। किसी तरह एक पक्ष के कुछ लोगों को पकड़कर एक दूसरे मकान में ले जाया गया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। इस मारपीट का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सौभाग्य की बात है कि 2 पड़ोसियों के बीच की लड़ाई में पूरा गांव शामिल हो गया, लेकिन किसी ने भी इस मारपीट को वक्त रहते खत्म कराने की कोशिश नहीं की। अगर बात बिगड़ने से पहले विवाद सुलझा लिया जाता तो इस हंगामे की नौबत ही नहीं आती। श्रीनगर में जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाने वाला सिख परिवार दिल्ली लौट आया। 2 दिन पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा वहां गए थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के LG के सामने यह मुद्दा उठाया था। यही नहीं, उन्होंने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में उस परिवार की मदद की। और जब वो दिल्ली लौटे तो उनके साथ उन 2 सिख परिवारों में एक परिवार भी लौटा, जिसने आरोप लगाया था कि उनके परिवार की लड़की का जबरन धर्म बदला गया। एयरपोर्ट पर मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ उस लड़की और उसके पिता के अलावा परिवार के दूसरे लोग भी नजर आए। कश्मीर के रहने वाले सिख परिवार ने धर्मांतरण का आरोप लगाया था। उनमें से एक लड़की है, वह वापस आ गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ वह परिवार है। ये लोग जब बाहर आए तो वहाँ मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और लड़की और उसके पिता बिना किसी से बात किए सीधा गाड़ी में बैठ गए। उसके परिवार वालों ने भी नपे तुले शब्दों में ही अपनी खुशी बयां की। हुआ था, गलत हुआ था, अब जो भी हुआ हम सिरसा साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ साथ चले। लेकिन सिरसा के चेहरे की चमक ये बयां कर रही थी कि ये लड़ाई जीतना कितना जरूरी था। कि कैसी ये जंग रही आपके? बहुत बड़ी जंग थी और मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप जैसे मीडिया के सभी बंधुओं का, जिन्होंने हमारे इसमें साथ दिया। सिख समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया था कि श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाया गया है, इसलिए इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच सिख समुदाय की दूसरी लड़की का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने इस बात से इनकार किया कि उसका धर्मांतरण जबरन करवाया गया। उसने वीडियो में बताया कि जो हुआ उसकी मर्जी से हुआ। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। सौभाग्य की बात है कि सिख समुदाय की 2 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के आरोप पर 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। पहला उस परिवार का जो दिल्ली लौटा, और दूसरा उस लड़की का जिसने वीडियो में कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला। जबकि सिख समुदाय के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती। पंजाब के बठिंडा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां काला सेखो नाम के एक वांटेड गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस एक खेत में पहुंची, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए गैंगस्टर ट्रैक्टर पर सवार होकर ही भाग निकला। लगभग 20 किलोमीटर तक बीच सड़क पर चोर पुलिस का खेल चला, मगर आखिरकार पुलिस ने गैंगस्टर को धर दबोचा। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि पुलिस से जान बचाकर भाग रहा काला सेखो लोगों की हमदर्दी पाने के लिए अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव ही हो गया। काला सेखो ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उस पर गोली चलाई और इसके सबूत के तौर पर उसने खून से लथपथ अपनी टांग भी दिखाई। इतना ही नहीं, वो लोगों से मदद की गुहार लगाता भी दिखा। दिन दहाड़े ये खूंखार गैंगस्टर बेखौफ होकर बीच सड़क पर ट्रैक्टर दौड़ाता रहा और पुलिस की गाड़ी उसके पीछे भागती रही। लेकिन पुलिस ने काला सेखों पर हमला करने की बात से साफ इनकार कर दिया। उल्टा पुलिस ने दावा किया कि उसने खुद ही अपने ऊपर गोली चलाई। ट्रैक्टर पर जाके जा रहा सीगा तो उन्हें अपने आप नु ही पिस्टल दे नाल फायर किया हैगा, उधर लत दे विच लगी गोली है। हालांकि गैंगस्टर ज्यादा देर तक पुलिस को गच्चा नहीं दे पाया और उसके हत्थे चढ़ गया।
चौबात की एक बात यह कि मनजिंदर सिंह उर्फ काला शेखों पर कत्ल और लूटपाट जैसे 11 केस दर्ज हैं। बताया गया कि पुलिस उसे पकड़ने गई तो उसने खुद ही अपनी टांग पर गोली मार ली और भाग निकला, लेकिन गैंगस्टर ने दावा किया कि पुलिस ने उसे गोली मारी। सच क्या है उसकी जांच की जा रही। फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ा काला शेखों बठिंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती। देश में जल्द ही कोरोना की चौथी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दवाओं के इस्तेमाल पर निगरानी रखने वाली संस्था DGCI ने भारत में अमेरिका की मॉडर्ना की वैक्सीन के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तरह लोगों को इसकी भी दो डोज लगवानी होगी। बताया जा रहा है कि पहली डोज की के 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगवाई जा सकती। दावा है कि कोरोना के खिलाफ ये वैक्सीन 94% तक असरदार है। अभी देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन को लगाया जा रहा है और मॉडर्ना की इस वैक्सीन के आने के बाद देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आने की उम्मीद है। सो न्यू ड्रग परमिशन हैज बीन ग्रांटेड टू मॉडर्ना, सो आवर वैक्सीन बास्केट इज नाउ रिचर बाय दिस एडिशन। दक्षिण दिल्ली नगर निगम एक ऐसी योजना ला रहा है जिसकी मदद से लोगों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी बेकार हो चुके टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज जैसी चीजों को इकट्ठा किया जाएगा। दावा किया गया कि इसके लिए लोगों को पैसे भी दिए जाएंगे और फिर उस सारे सामान को दोबारा इस्तेमाल में लाने लायक बनाया जाएगा, जिसके लिए एक प्लांट भी तैयार कर लिया गया जहां कर्मचारी कबाड़ हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान की कटाई छटाई करके उसे फिर काम लायक बनाने में जुटे दिखाई दिए। इसके लिए इस प्लांट में बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई गई। जिन चीजों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें एक साइड कर दिया जाए और जो चीजें बिल्कुल काम की नहीं है उनको क्रश करके जो उनका मटेरियल है उसको अलग अलग कर लिया जाए। इन चीजों को रिसाइकल करने के बाद इन्हें कई कंपनियों को दिया जाएगा और फिर वो कंपनियां उन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाएंगी। एक चीज हमने रखी है कि मोबाइल लेके आइए तो आपको इतना पैसा मिलेगा, आप लैपटॉप लेके आएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। बताया गया कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की गाड़ियां अपने इलाकों में घूमकर लोगों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक कचरा उठाएंगी। सौभाग्य की बात है कि इस योजना से लोगों के घरों में बेकार पड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान फिर इस्तेमाल में आ जाएगा और इससे उसके मालिकों को भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। हालांकि क्योंकि जो भी खराब हो चुकी चीजें वो देंगे उसके लिए उन्हें तय पैसे दिए जाएंगे। जम्मू में लगातार तीसरे दिन ड्रोन दिखे। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद वहां ड्रोन दिखने का सिलसिला थम नहीं रहा और एक बार फिर जम्मू के रत्नुचक, कालूचक और कुजवानी इलाके में रात में 3 ड्रोन देखे गए। ये तीनों ड्रोन रात 1:40 से 3 बजे के बीच सेना के ठिकानों के आसपास मंडराते नजर आए। एक दिन पहले भी कालूचक और रत्नुचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर 2 ड्रोन देखे गए जो सेना की फायरिंग के बाद वहां नजर तो नहीं आए, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि वो गए तो गए कहां। माना जा रहा है कि ये ड्रोन पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है। इस बीच NIA ने एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की जांच अपने हाथों में ले ली। जम्मू जो एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर जो ब्लास्ट हुए थे तो इसी को देखते हुए NIA की टीम दिल्ली से भी स्पेशल टीम पहुंची है। तौर पर NIA ने अब ये केस अपने हाथ में ले लिया है और यहां पर आप देखें तो NIA की टीमें जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के भीतर पहुंच चुकी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ नई ड्रोन नीति पर बैठक की। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि इस बैठक में उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ नई ड्रोन नीति को सही दिशा देने पर चर्चा की। वैसे इस मामले में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन जम्मू में ड्रोन से हमले के बाद सरकार और जांच एजेंसियां ज्यादा चौकन्नी हो गई हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ नई ड्रोन नीति पर बात की। खबर है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बदलते समय में ड्रोन का इस्तेमाल विकास के कामों में भी हो, जिसके बारे में बैठक में उन्होंने अपनी राय रखी। इस बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां एक साधु का शव मिलने से गुस्साए लोग पुलिस पर भड़क उठे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने आपसी विवाद में उस साधु की हत्या कर दी और फिर उनके शव को सड़क पर फेंक दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे ही इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पुलिस के कुछ अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे, लेकिन उस इलाके के लोगों पर गुस्सा इस कदर हावी था कि वो साधु के शव को सड़क पर रखकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। वो किसी को भी कल को किसी का भी किसी को भी मार देंगे। काफी देर तक पुलिस वालों और इलाके के लोगों के बीच बहस छिड़ी रही, लेकिन वो लोग अपनी मांग से टस से मस नहीं हुए। ईंट मार के हत्या की गई है, अभी यही मांग चल रही है कि केस को यहीं खोला जाए। लोगों के जिद्दी रवैये का सामना करने के बाद पुलिस के एक अफसर ने भरोसा दिया कि इस केस की हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत करवाया जाएगा, अग्रिम दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।
बताया गया कि जिस साधु का शव मिला वो इलाके के एक मंदिर में बीते 12 साल से पूजा कर रहे थे। सो बात की बात है कि साधु का शव मिलते ही इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस अधिकारियों को वहां जाना पड़ा। लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि साधु को पीट पीट कर उनकी हत्या की। हालांकि ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता लगा पाएगी कि साधु की सांसें कैसे थमी। जम्मू कश्मीर के रामबन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां के एक इलाके में कई मकान लपटों में घिर गए। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन उन मकानों से उठती लपटों ने कोहराम मचा दिया। खिड़कियों और दरवाजों से आग के साथ धुआं उठने लगा, जिसे देखकर वहां के लोग दहशत से भर गए। धधकती लपटों के बीच कुछ लोग इस कोशिश में दिखे कि किसी भी तरह इस आग को बुझा लिया जाए, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई क्योंकि वो मकान लकड़ियों और टिन की मदद से बने थे। इसलिए एक बार जो उनमें आग भड़की तो फिर आसपास के लोगों के लिए उसे बुझाना मुश्किल हो गया। बताया गया कि जब हालात ज्यादा बिगड़ गए तो सेना और पुलिस के जवानों को वहां बुलाना पड़ा, तब जाकर आग बुझ सकी। सो बात की एक बात है कि रामबन में ये आग एक घर से शुरू हुई जो फैलती चली गई, जिसे बुझाने के लिए सेना की भी मदद लेनी पड़ी। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 6 से ज्यादा घर जल चुके थे।